हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो मैं लास्ट लेक्चर में बात किया था कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप वर्क डन निकालते हैं। क्लियर? वर्क डन, वही जो वर्क डन निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर एक सपोज दैट की चार्ज है कैपिटल क्यू, ओके, और एक जो चार्ज है यहाँ पे लाए हैं, लेकिन इसको कहाँ से लाए हैं आप? इसको लाए हैं आप इन्फिनिटी से, पहले कहाँ थी? इन्फिनिटी, ओके, और उसके बाद आप लेकर इसको आए एक्स पे, एक्स इस तरह से लिख रहा है एक्स पे। क्लियर? तो जब एक्स पे लेकर आए हैं तो इधर आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग जाएगी? इधर लग जाएगी। को डाउट? ओके, हमको लेके कहां आना है? तो हमको यहां तक लेके आना है, और ये डिस्टेंस कितनी है? आर, आर तक लेके आना है। ये हो गई बात, ओके। तो अब यहां पे अगर इसको पी पॉइंट मान ले, यहां पर पी पॉइंट मानते हैं, तो क्या मिलेगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और इधर क्या मिलेगा? एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 180 है। इन दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा ना, dx डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, इधर खींच के ला रहे हैं, x डिस्टेंस है तो dx डिस्प्लेसमेंट इधर लेकर आएंगे, है कि नहीं? तो dx वेक्टर और f जो एक्सटर्नल वेक्टर है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो dx वेक्टर है वो पैरेलल है किसके? f एक्सटर्नल के। तो यहां पर थीटा हो जाएगा कितना? 0 डिग्री। दूसरा ये है कि dx वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है, और किसके एंटी पैरेलल है? इलेक्ट्रिक फोर्स के। dx वेक्टर एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पर थीटा अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। अब यहाँ पर Q चार्ज स्लोली एंड कॉन्स्टेंट स्पीड moves through infinity to P, so F net 0, तो जो F external है वो किसके बराबर है? माइनस F, तो ऐसे लिख सकते हैं F external प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 0। तो जो F एक्सटर्नल है वो किसके बराबर हो गया? माइनस F इंटू E के बराबर हो गया, और E का वैल्यू कितनी हो गई? माइनस K कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइडेड बटे कितना? X का स्क्वायर। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस F इंटू E माइनस K Q Q डिवाइडेड बटे X स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। डी डब्ल्यू इज स्मॉल वर्क डन ड्यू टू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट।
क्लियर। डी डब्ल्यू जो है वो स्मॉल वर्क डन है ड्यू टू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन दिया गया है क्या डी डब्ल्यू। तो वर्क डन हम लोग निकालते हैं, इसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं, है गुड आउट नहीं। तो इसका वर्क डन जो होगा कुछ ऐसा होगा, इसको मिटा देते हैं। यहां पर एक सोर्स चार्ज रखे हुए हैं, यहां से पॉइंट चार्ज को यहां तक लाए हैं एक्स डिस्टेंस तक, और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट इसको इधर लाए, तो वर्क डन कितना करना पड़ा डी डब्ल्यू। फिर डी एक्स डिस्प्लेसमेंट लाए तो फिर वर्क डन कितना करना पड़ा डी डब्ल्यू। तो इस तरह से इसको स्लोली स्लोली हम इस पॉइंट पर लेकर आए हैं। अब ये पॉइंट मान लीजिए आर है, तो इस पॉइंट पे लाए और ये डिस्टेंस इतना है स्मॉल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, उसी वर्क डन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अंदर लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया गया है तो इधर, तो ये पैरेलल हो गया, थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और डी एक्स एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो डिस्प्लेसमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, तो थीटा होगा 180 डिग्री। क्यू स्लोली एंड कॉन्स्टेंट स्पीड से, कॉन्स्टेंट स्पीड यहां पर लिखते हैं कॉन्स्टेंट स्पीड, मूव्स इन्फिनिटी टू पी, सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट स्पीड। तो एफ एक्सटर्नल प्लस एफ ई इज इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ई, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। द डी डब्ल्यू इज ए स्मॉल वर्क डन ड्यू टू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के द्वारा क्या होगा ए स्मॉल वर्क डन इसको करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि जो फोर्स है वो पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ई, और एफ ई के बदले क्या लिखेंगे के क्यू, ये लिखा एक्सटर्नल, यही इलेक्ट्रिक फोर्स के भी बराबर होगा के क्यू एक्स का स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स कॉस जीरो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहां पर लिखेंगे डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो माइनस एफ ई इंटू डी एक्स ऐसे लिखेंगे, या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस के क्यू और क्यू डिवाइड बटे एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। तो डी जो डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू वो लिखेंगे माइनस के क्यू क्यू, यहाँ पर क्या हो गया वन बटे एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। अब इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे फोर्स क्या लगेगा जीरो, तो वर्क डन भी क्या होगा जीरो, तो यहाँ पर हो गया जीरो। और लेकर कहाँ तक आना था आर डिस्टेंस तक, तो वहाँ पे वर्क डन मैं मान लेता हूँ डब्ल्यू, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको हो गया W, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W, और यहाँ पर जीरो से W तक, और यहाँ पर है माइनस के क्यू और क्यू, यहाँ पर हो गया माइनस वन बाई एक्स,
और इन्फिनिटिव से कहाँ तक, आर तक। तो W माइनस जीरो इज इक्वल टू के क्यू और क्यू, और यहाँ पर क्या हो गया, वन बटे आर माइनस वन बटे इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, के क्यू और क्यू वन बाई आर, इसको लिखेंगे के क्यू क्यू डिवाइडेड बटे आर, ये हो गया वर्क डन। तो W इज इक्वल टू के क्यू वन डिवाइडेड बटे फोर पाई ऑप्सलन जीरो क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बटे आर, ये हो गया आपको वर्क डन। W इक्वल टू वन बाई फोर पाई ऑप्सलन जीरो क्यू क्यू डिवाइडेड बटे आर, वर्क डन आ गया। दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से लिखा जाएगा कि दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W। तो U इज इक्वल टू वन बटे फोर पाई ऑप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइडेड बटे आर, यू इक्वल टू वन बटे फोर पाई ऑप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू बटे आर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज क्यू वन है और यहाँ पर चार्ज एक क्यू टू है, इसको इन्फिनिटिव से लेकर आया गया है यहाँ तक, और ये डिस्टेंस क्या है, आर है, तो इसके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बटे आर होगी, सही है। ओके, पहला इसमें पॉइंट ये लिखते हैं कि इफ क्यू वन ग्रेटर क्यू वन इंटू क्यू टू ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो सकता है कि बोथ पॉजिटिव हो सकता है या बोथ निगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो सकता है या दोनों निगेटिव हो सकता है, बोथ पॉजिटिव हुआ या बोथ निगेटिव, तो फोर्स जो होगी वो रिपल्सिव होगी। अगर दोनों निगेटिव हो गई, फोर्स विल बी रिपल्सिव, सो पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव होगा, यानी U इक्वल टू वन बटे फोर पाई ऑप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बटे आर, ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा केस है कि इफ क्यू वन क्यू टू लेस देन जीरो, क्यू वन और क्यू टू लेस देन क्या है, जीरो, सो फोर्स इज अट्रैक्टिव, force is attractive, then potential energy is negative, is negative। तो यहाँ पर लिखेंगे U is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r, ऐसे देखेंगे। U equal to
माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू और डिवाइडेड बटे आर, क्योंकि फोर्स जो है वो क्या है, अट्रैक्टिव है। तो जब भी फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो इसी तरह की बातें करने को मिलता है। क्लियर? अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक चार्ज है Q1 पहले से, एक चार्ज को हम इन्फिनिटिव से लेकर आए हैं, तो इस सिस्टम है इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा 1 बटे 4 पाई ऑप्शन 0 और Q1 Q2 डिवाइडेड बटे R, ऐसा आएगा। दूसरा, यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज एक Q2 है और यहाँ पर चार्ज एक Q3 है, तो ये हो गया कितना D होगा, ये क्या होगा D होगा, ऐसा। तो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का, एक तो इसके बीच में होगा, इसके वजह से होगा, एक इन दोनों के वजह से होगा, एक किसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा। तो क्या लिखेंगे, U1 फिर U2 फिर क्या लिखेंगे, U3। तो यहाँ पर लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बटे D लिखेंगे, फिर लिखेंगे K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई D लिखेंगे, अब प्लस K Q1 और Q3 डिवाइडेड बटे 2D लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये हो गया U सिस्टम। तो U सिस्टम इज इक्वल टू K Q1 Q2 एग्रो अपना करके वैल्यूज आपको लिखते चलना है। तो इसमें K और D ये दोनों कॉमन है तो आप बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे Q1 Q2 Q2 और Q3, और फिर क्या होगा Q1 Q3 डिवाइडेड बटे 2, ये हो गया आंसर। ये फाइनल रिजल्ट है सिस्टम के लिए। अगर कोई चार्ज निगेटिव है तो उसके बीच क्या फोर्स लगाता है ये चेक करना होगा। जैसे मैं कहूँ जब फोर्स अट्रैक्टिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव है, ये आपको पता है। तो इस तरह का है, ऐसे, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस ए, इसके बीच का डिस्टेंस ए, इसके बीच का डिस्टेंस ए, और यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। इसका नाम हम देते हैं यू वन, इसका नाम यू टू, इसके बीच जो है वो है यू थ्री। तो यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो यू वन अगर आप लिखेंगे तो K इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव है, तो K Q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बटे A। तो लिखेंगे क्या, K Q माइनस क्यू डिवाइडेड बटे A। अट्रैक्टिव है तो क्या हो गया, निगेटिव। ये देखो ये रिपल्सिव है फोर्स, तो इसके में पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, K Q Q डिवाइडेड बटे A। अब इसके भी चेक करो, इसके बीच अगर आप चेक करते हैं तो K Q और Q माइनस Q, तो आप लिखेंगे क्या, K Q माइनस Q डिवाइडेड बटे A। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको माइनस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे A, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे प्लस A, माइनस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे A। तो इससे और इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या जाएगा, माइनस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे A। तो यू सिस्टम जो हो गया वो माइनस K Q स्क्वायर बटे A हो गया,
क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो उसी तरह से अगर आप बात करेंगे फोर चार्जेस के लिए, तो फोर चार्जेस के लिए अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखते, ये हो गया फोर चार्जेस के लिए, यहां पर इस तरह से ऐसे। तो यहां पर Q है, या Q1 लिख दीजिए, यहां पर Q2 लिख दीजिए, यहां पर Q3 लिखिए, यहां पर Q4 लिखिए। तो सिस्टम का जो हैगा वो क्या लिखिएगा, एक इसके बीच होगा, एक इसके बीच होगा, एक इसके बीच होगा, एक इसके बीच होगा, एक जो होगा इसके बीच होगा, और ये इसके बीच होगा, हो गया। तो U1 फिर U2 फिर U3 फिर U4 फिर U5 फिर U6, इस तरह से होगा। U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6, सिक्स हो गए, क्योंकि इसके बीच एक होगा, इसके बीच एक होगा, या इसके बीच एक होगा, एक इसके बीच होगा। इसका और इसके साथ तो फोर्स नहीं निकालें, सभी के साथ फोर्स निकाल लो। इसके साथ फोर्स निकल गया, फिर इसका इसके साथ निकल गया, फिर इसका इसके साथ नहीं ना निकला, तो इसको भी निकाल लो। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और इसका इसके साथ निकालो, चार हो गया, इसका इसके साथ निकालो, पांच हो गया, और इसका इसके साथ निकालो, छह हो गया। पेयर बनाना सबके साथ, है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बटे ए प्लस के क्यू टू क्यू थ्री डिवाइडेड बटे ए प्लस के ए वाला थ्री हो गया, हाँ क्यू थ्री क्यू फोर Q3 Q4 डिवाइडेड बटे ए प्लस इसके साथ। तो इसके साथ क्या होगा, K Q4 और Q1 डिवाइडेड बटे ए, फिर इसके साथ तो होगा क्या, K Q1 Q3 डिवाइडेड बटे ए रूट अंडर टू प्लस K Q2 और Q4 डिवाइडेड बटे ए रूट अंडर टू। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया के डिवाइडेड बटे ए, यहाँ पर हो गया क्यू वन और फिर हो गया क्यू टू प्लस क्यू टू और क्यू थ्री, फिर क्या हो गया क्यू थ्री और क्यू फोर प्लस क्यू फोर और क्यू वन प्लस क्यू वन क्यू वन और Q3 थ्री डिवाइडेड बटे रूट अंडर टू प्लस Q2 और Q4 फोर डिवाइडेड बटे रूट अंडर टू, इस तरह से रिजल्ट होगा। इस तरह से पेयर्स बनाए जाएंगे, पेयर वाइज आप अलग अलग इसको लिख सकते हैं, ओके। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब सोल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होती है, है ना, वो तो जूल होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि K Q1 Q2 डिवाइडेड बटे R, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, जूल होगी, ओके। अब ये जो क्वांटिटीज है, ये सभी क्वांटिटीज बहुत स्मॉल है, तो एनर्जी जो आएगा वो बहुत छोटा यूनिट आएगा, एनर्जी की जो एनर्जी का वैल्यू जाएगा वो बहुत छोटा आएगा। तो वैल्यूज ऑफ एनर्जी, वैल्यूज ऑफ एनर्जी इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा आएगा। वैल्यूज ऑफ एनर्जी इज वेरी स्मॉल, सो वी यूज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटी सी यूनिट है एनर्जी की, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल लिखते हैं। तो आप समझ गए एक जूल में क्या लिखेंगे, तो एक जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ऐसा लिखेंगे। ओके, तो एक छोटा सा सवाल है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लाना है। छोटा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस वन एंगस्ट्रम फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ओके, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस वन एंगस्ट्रम फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वन एंगस्ट्रम है। क्लियर, तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, अट्रैक्टिव। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपको पता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पहली बात की निगेटिव होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बटे आर। आर का मतलब क्या है, वन एंगस्ट्रम। तो आर का मतलब है वन एंगस्ट्रम, तो इसको क्या लिखेंगे, वन एंगस्ट्रम को लिख देंगे 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको। ओके, अब इसको सोल्व जब करेंगे तो कितना वैल्यू जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो U इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है, माइनस 28 और प्लस 9 माइनस 28 तो लिखेंगे -28 और 10 टू द पावर -10, इसको ऊपर भेजेंगे तो -18 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा और 2.56 हो जाएगा और 10 टू द पावर -18 हो जाएगा, जूल में आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी 23.04 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, यही आंसर है। अब इसको आप कन्वर्ट करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सपोज दैट कि इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लिखेंगे नाउ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो एक जूल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे 1.6 × 10⁻¹⁹. तो यहाँ पर एनर्जी जो आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, 9 × 2.56 × 10⁻¹⁸, और ये है आपको 1.6 × 10⁻¹⁹. तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं, इसी को आप ऐसे कैलकुलेट कर देंगे, U = 9 × 1.6 × 1.6. चूंकि 1.6 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई किए थे तो ये रिजल्ट आए थे, तो नीचे में 1.6 है, 10⁻¹⁸, और डिवाइडेड बटे 1.6 × 10⁻¹⁹. तो ये और ये कैंसिल हो गया, ओके, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 9 × 1.6 × 10⁻¹⁹, 10⁻¹⁹. तो 9 × 6 करेंगे तो 54 हो जाएगा, तो 54 का कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 9 × 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 14 हो जाएगा, 1.0 इतना, तो यहाँ पर हो गया क्या 10 हो गया, तो ये आ गया आपको 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी एक आंसर हो गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये हो गया आपको जूल में यूनिट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, निगेटिव, सब जगह निगेटिव छूट रहा है, भाई निगेटिव रखो, सब जगह निगेटिव रख दो, ये निगेटिव हो गया, ओके, तो निगेटिव में आंसर आएगा, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, और ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव में इसका आंसर आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी आसान टॉपिक था, चूँकि ये स्केलर क्वान्टिटी है, और वर्क डन अगर आप निकालते हैं तो उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एनसीईआरटी में इतना है, बहुत है, ये सफिशिएंट है बोर्ड के लिए, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लाने में जो वर्क करना पड़ता है, एक्सटर्नल फील्ड जो वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और दोनों चार्ज निगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर फोर्स रिपल्सिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।